हेलो दोस्तों, आज हम बनाने वाले हैं दो टाइप के पिज़्ज़ा जो हमारे का ऑर्डर आया हुआ। जो ये ऑर्डर है हमारा स्पेशल, मतलब रशियन गेस्ट है हमारे पास अभी आए हुए, उनके लिए हम बना रहे हैं दो पिज़्ज़ा। एक मार्गरीटा है और एक सी फूड पिज़्ज़ा है हमारा, दोनों हम तैयार करेंगे। और ये हमारा जो पिज़्ज़ा होगा तंदूर में बनाएंगे हम इसको, तंदूरी पिज़्ज़ा। यहाँ गोवा में मैं हूँ अभी इस टाइम, तो गोवा में ऐसा तंदूर से ज़्यादा चलता है, इसलिए हम तंदूर में ही देते हैं। आप देख सकते हैं पहले मैंने इसको अच्छे से बेल लिया है, क्योंकि मेरे को पिज़्ज़ा उतना ज़्यादा प्रोफेशनल में हूँ नहीं बनाने में, इसलिए इसको बढ़िया अच्छे से हमने दोनों को कर लिया हुआ तैयार। और ये हमने जो हमारा मार्गरीटा पिज़्ज़ा है, ये हम बच्चे के लिए दे रहे हैं, इसको बच्चे के हिसाब से हमने इसमें थोड़ा टोमेटो केचप ज़्यादा डाला हुआ है, जिससे कि ये ज़्यादा स्पाइसी नहीं रहेगा, क्योंकि जो हम टोमेटो अपना पिज़्ज़ा सॉस यूज करते हैं, ये रेडीमेड यूज करते हैं, ये थोड़ा स्पाइसी होता है। और जो हमारा सी फूड है वो नॉर्मल है, इसलिए हम इसमें नॉर्मल ही सॉस लगा रहे हैं। ये हमारे को कस्टमर ने जैसा बोला हुआ हम वैसा दे रहे हैं, बाकी आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। और ये हमारा कॉटेज जो चीज़ है, देख सकते हैं डाइस जो छोटे कटे होते हैं, मोजरेला ही है, दोनों पे डालेंगे हम अच्छे से, दोनों देख सकते हैं। हम इसमें नीचे थोड़ा पहले इसलिए डाल रहे हैं ताकि चीज़ जब मेल्ट होएगा तो बहुत अच्छे से रहेगा। और हम डायरेक्ट वो यूज़ कर रहे हैं, मतलब पिज़्ज़ा बेस यूज नहीं कर रहे हैं, ये डायरेक्ट पकाएंगे हम इसको। ये हमारा सी फूड वाला हुआ, और पहला हमारा मार्गरीटा हुआ। ये सी फूड पिज़्ज़ा है जिसमें हमने लिया हुआ फिश है हमारा, प्राउन्स है, कालामारी है, बाकी आपकी मर्ज़ी है जो आपके पास अवेलेबल हो आप डाल सकते हैं। अभी इस पर हम थोड़ा अमूल चीज़ डालेंगे, अमूल चीज़ और जो हमारा नॉर्मल मोजरेला है, दोनों मिला के बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है और अच्छा मेल्ट होता है चीज़, खाने के लिए भी सही रहता है। आप देख सकते हैं ये हमारा मार्गरीटा है पिज़्ज़ा। जो हम यहाँ पे पिज़्ज़ा देते हैं दोस्तों, ये ज़्यादा स्पाइसी नहीं दे सकते हम, जैसे चिल्ली फ्लेक्स डाल दिया और ओरिगैनो वगैरह डाल दिया, इसलिए हम इसको नॉर्मल ही बनाएंगे। बाकी आपकी मर्ज़ी, आप घर में बना रहे या होटल में बना रहे तो आप डाल सकते हैं, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं होता। देख सकते हैं हमने इसमें ऊपर से चीज़ और डाल दिया, वो चीज़ डालेंगे हम इसमें भी दोनों को डाल के अच्छे तरीके से। और हमारा तंदूर पहले से हीट अच्छा है उसमें, ना ज़्यादा एक्स्ट्रा हीट है ना कम है। अगर आप तंदूर में आपने कभी बनाया नहीं है तो आप ना ही ट्राई करें तो बेहतर है, अगर आपको तंदूर का पता है तो आप ट्राई करें, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। आप देख सकते हैं हमने इसमें थोड़ा सा बेसिल के पत्ते कट करके डाले, और उसमें जो हमारा सी फूड पिज़्ज़ा है वो चिल्ली फ्लेक्स हमने उसमें ऐड किया है, और जो हमारा मार्गरीटा है बच्चे के लिए तो इसमें हम कुछ भी वैसा नहीं डाल रहे। इसमें हमने थोड़ा चिल्ली फ्लेक्स डाला है, थोड़ा इसमें हमने पिज़्ज़ा मिक्स भी डाला है, तो दोनों सेपरेट सेपरेट हैं। तो दोस्तों हमारा फाइनली दोनों पिज़्ज़ा जो है तैयार हो चुका है, रेडी हो गया, हम इसको तंदूर में डालेंगे। ये हमारा तंदूर का स्टैंड है, देख सकते हैं आप दो पिज़्ज़ा का, इसको हम रखेंगे अभी, इसको डाल के कम से कम इसको हम ऐसा 5 मिनट में देखेंगे पका कि नहीं, और 5 मिनट के बाद इसको चेंज करेंगे, हम ऊपर का नीचे करेंगे और नीचे का ऊपर रखेंगे। तो निकाल के हम इसको करेंगे, देख सकते हैं आप ये निकाल के हम कर रहे हैं, चेंज करेंगे इसको, चेंज करके वैसे आप देख सकते हैं हमारा पिज़्ज़ा कैसा पका है, मेल्ट हुआ है चीज़ उसका अच्छे से बिल्कुल, आप देख सकते हैं मार्गरीटा का भी फेस। तंदूर में जो हम पिज़्ज़ा पकाते हैं इसको थोड़ा सही से देखना होता है, नहीं तो ये थोड़ा जल्दी जलता है,
अगर जैसे कि हमारा अवन है, अवन में हमारा टाइम सेट होता है तो कोई दिक्कत नहीं होती, और इसमें टेम्परेचर जो है बराबर नहीं रहता है। और अगर आप तंदूर में बना रहे तो आप ध्यान से ही बनाएं। अगर किसी को नहीं पता है तंदूर में कैसे बनाएं तो प्लीज़ ट्राई भी ना करें, क्योंकि इसमें जलने में टाइम नहीं लगता, एकदम से ही जल जाता है। और आप देख सकते हैं हमारा पिज़्ज़ा जो फाइनल लुक है ऐसा है बन के जो तैयार हुआ है। हम देख सकते हैं दोनों पिज़्ज़ा हमारा तैयार है, हम इसको सर्व करेंगे, हमारे गेस्ट को हम देंगे। बाकी आप लोग बनाइए, खाइए और मज़े करिए। धन्यवाद, शुक्रिया। अगर आपने मेरी वीडियो अभी तक देखी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से शुक्रिया।